नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। आइए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना? तो देखते हैं, आइए देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियमों के बारे में, ठीक? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों आप। अगर हम न्यूटन की गति के नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहले 1687 में न्यूटन महोदय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है ना? इसी में इसका वर्णन मिलता है। तो यहीं से हम जान पाए कि न्यूटन ने इन नियमों की व्याख्या की थी। कब की थी? तो 1687 में। और इन्होंने कुल कितने नियम बताए थे? तो इन्होंने अपने तीन नियम बताए थे। आइए बारी बारी से जानते हैं। पहले हम जानते हैं फर्स्ट नियम के बारे में, यानी कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। बहुत ध्यान सुनेंगे दोस्तों आप। न्यूटन का पहले नियम को आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं दोस्तों, या आप इसे गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब यहां से आपको सुनना है, क्योंकि अगर आप समझ लिए चीज को तो लिख आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो सुनेंगे आप। न्यूटन महोदय ने कहा कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है यानी कि स्थित अवस्था में है तो वो अपनी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी घटक ना लगाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए बहुत ध्यान सुनिए आप। ये मार्कर है, ठीक है ना? ये मार्कर मेरे हाथों पे रखा हुआ है, ठीक है? अब मैंने इस हाथ से इस मार्कर को उठा लिया तो मैंने क्या किया, इस मार्कर की स्थिति में परिवर्तन कर दिया। मतलब यह पहले रुका हुआ था और मैंने अपने हाथ के सपोर्ट से, हाथ से बल लगाकर या हाथ से कोई बाहरी घटक लगाकर इसको उठा लिया। यही मैंने क्या किया, इसको गति की अवस्था में प्रदान कर दिया, ठीक है ना? या आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान एम है, M1 है, उस पर आपने बल लगाया 5 न्यूटन का, ठीक, और यह वस्तु अपने स्थान से खिसक जाती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है, ठीक है? एक कंडीशन और आपकी बन सकती है कि M1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और यह खिसकी ही नहीं अपने स्थान से। मतलब कोई ना कोई तो यहां पर है इस द्रव्यमान की वस्तु पर जो इस बल का विरोध कर रहा है, जो इस बल का विरोध कर रहा है और स्थिति का सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसी चीज को आप कहेंगे जड़त्व। क्या कहेंगे? जड़त्व। मतलब जो बल की दिशा का विरोध करे किसी भी द्रव्यमान का, किसी भी वस्तु का, वह गुण जो किसी दिशा का विरोध करे, बल की दिशा का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं आप? जड़त्व कहते हैं। तो यहां से आपकी परिभाषा निकल के आती है, जो रुका है वह रुका रहेगा, जो चल रहा है वह चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी घटक ना लगाया जाए। और बल क्या है? बल वही है जो आप इस पर धक्का लगा रहे हैं या फिर जो आप इसको पकड़ के खींच लें। किसी वस्तु पर धक्का लगाओगे, रुकी हुई है, चलने लगेगी, खींच लोगे तो तुम्हारी तरफ आ जाएगी। तो यही तो बल हो गया, मतलब धक्का या फिर खिंचाव क्या है? बल है। ये है बल की परिभाषा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। अब हम बात करते हैं जड़त्व के बारे में कि जड़त्व क्या है, ठीक है ना? तो किसी वस्तु का वह गुण जो अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसके चलने का विरोध करे, या वस्तु चल रही है तो उसके रुकने का विरोध करे, ठीक है, ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। एक बात सुनिएगा ध्यान से, न्यूटन महोदय ने कहा कि वस्तु चल रही है, चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए था कि हम सर क्रिकेट खेलते हैं, बॉल मारते हैं, लेकिन बॉल एक लिमिट तक जाकर रुक ही जाती है, सर ऐसा क्यों? भाई न्यूटन तो फेल हो गए यहाँ पे। बिल्कुल नहीं फेल हुए,
क्योंकि बॉल की कंडीशन में पृथ्वी उसकी गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा रही है, जिसके कारण वह रुकती है, ठीक है ना। तो बाहरी घटक तब भी लग रहा है, बाहरी घटक तब भी लग रहा है। या साइकिल की बात करें, कुछ दूरी पर साइकिल आप पैंडल मत मारिए तो जाते जाते कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएगी। बाइक की बात करें, एक्सीलेटर ना लो तो कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएगी, ठीक है ना। तो कौन रोक रहा है? दरअसल उस कंडीशन में भी एक बाहरी घटक काम कर रहा है, उसका नाम है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला घर्षण बल। इतनी बात समझ में आ गई। ये था आपका न्यूटन का प्रथम नियम। अब हम बात करते हैं जड़त्व की। तो जड़त्व भी तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। बहुत ध्यान से सुनिए आप। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। देखिए विराम का जड़त्व, ठीक है, एक कौन सा गति का जड़त्व और एक कौन सा दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। तो अब विराम के जड़त्व को समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, आप बस में खड़ा कोई व्यक्ति है और बस अचानक से रुक जाती है या अचानक से चलने लगती है। हम विराम की बात कर रहे हैं, तो बस का अचानक से चलना, हम खड़े हैं बिल्कुल स्टेट, ठीक है ना। बस के साथ हम भी स्थिर हैं, बस के साथ हम भी स्थिर हैं, पूरा शरीर स्थिर है, लेकिन बस ने अचानक से चला, सतह क्या हुई, जो बस की सतह से सरफेस थी वो अचानक से आगे बढ़ी, तो हमारे पैर क्या हुए, हमारे पैर तो गतिमान अवस्था में आ गए, परंतु जड़त्व के कारण ये हमारा ऊपर का शरीर गति की अवस्था में नहीं आ पाया, जिससे हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम यहीं पर गति के जड़त्व की बात करें, ठीक है, तो गति का जड़त्व क्या होगा, बस चल रही है, हम खड़े हैं आराम से, वाह भाई वाह, बतिया रहे हैं, वाह भाई कैसे हो भैया, ठीक, सब चल रहा है। अचानक से कोई बंदा सामने से भागता है और बस वाले ने कस के ब्रेक मारा, तो क्या होता है कि भाई पैर तो हमारे सतह से चूंकि चिपके हुए हैं, तो सतह जैसे रुकेगी पैर भी रुक जाएंगे, लेकिन ऊपर का शरीर गति की अवस्था में बना रहेगा जड़त्व के कारण, ठीक है। इसी वजह से हम क्या होता है, जब ब्रेक लगती है तो देखो आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम यहीं पर दिशा के जड़त्व की बात करें दोस्तों, तो आप एक बचपन में काम जरूर किया होगा, एक ईंटे को डोरे से बांधा होगा और खुद से नचाए होंगे, तो उस ईंटे के द्वारा जो अंदर की ओर फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और उस केंद्र से जो उस ईंटे की तरफ फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये दोनों ही बल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जिससे कि वस्तु को एक स्थिर अवस्था में बनाए रखते हैं, कांस्टेंट बनाए रखते हैं, गति की अवस्था में बनाए रखते हैं। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर यदि हमें चलना है तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना अति आवश्यक है। ये हो गया आपका दिशा का जड़त्व। बात समझे, ना, दिशा का जड़त्व देखो, ऐसे कोई वस्तु जा रही है, अब हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें ऐसे मुड़ना है ना, लेकिन दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना। ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे मुड़ना है, लेकिन दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक, इसी प्रकार से इस तरफ है। आप बात समझ रहे होंगे मेरी, ठीक है ना। अब आप सुनेंगे ध्यान से एक पॉइंट और, विराम की जड़त्व की बात करेंगे हम। एक चीज और, आप उदाहरण को समझे होंगे, विराम की जड़त्व की बात करें अगर, तो आप जानते हैं कि यदि आप देखे होंगे अपने घरों में डोरमैट, देखे होंगे, ठीक है, डोरमैट को ऐसे पकड़ो और डंडे से झाड़ो, ठीक, तो क्या होता है, डोरमैट तो पीछे हट जाता है, डोरमैट पे मार पड़ रही, डंडा पड़ रहा है, भैया पीछे हटेगा, लेकिन जो धूल के कण हैं वो वहीं पर रह जाते हैं और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उन्हें खींच लिया जाता है। इसी प्रकार धूल गिरती है किससे, कालीन से, या कह सकते हैं आप डोरमैट से, ठीक है, पकड़े ऐसे मारो झाड़ो झाड़ो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डोरमैट पीछे की ओर जा रहा है और जो धूल के कण है वो वहीं रुक जा रहे हैं और नीचे पृथ्वी की तरफ खींच लिए जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और आप सुन सकते हैं एक एग्जांपल और इसका, कि भाई जैसे अगर हंसी की बात करें तो हंसी की क्या सच्चाई भी है, इसमें फिजिक्स भी है, कि भाई किसी लड़की के सुनहरे बाल हैं लंबे लंबे, ठीक है, नहा के आ रही और अपने बालों को ऐसे ऐसे हिलाया उसने, तो पानी की बूंदें गिरती हैं, क्यों गिरती हैं, वो भी विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि पहले तो बाल विरामावस्था में थे ना, और जब लड़की ने ऐसे ऐसे हिलाया बालों को तो विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ गए और पानी की बूंदें क्या हुई, अभी भी गति की अवस्था में नहीं आई हैं और पानी की बूंदें नीचे गिरने लगेंगी। बात समझ में आई आपके, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपकी कपड़े झाड़ने पर पानी की बूंदें, हाँ कपड़े झाड़ने पर पानी की बूंदें भी गिर सकती हैं, कैसे, देखिए आप कपड़ा धुल के लाए हैं और कपड़े को ऐसे पकड़ के कस के झाड़िए, ठीक है ना, तो कपड़ा तो पहले जब पकड़े थे तो स्थिर अवस्था में था और जब हमने झाड़ा तो उसको गति की अवस्था में ले आया, और गति की अवस्था में जैसे ही दोस्तों कपड़ा आएगा
परंतु पानी की बूंदें गति की अवस्था में नहीं आएंगी जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। और आपने कपड़ा झाड़ा गति की अवस्था में आया, लेकिन पानी की बूंदें वहीं स्थिर हैं और नीचे की ओर गिर जाएंगी क्योंकि उन्हें पृथ्वी के द्वारा खींच लिया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम समझते हैं न्यूटन के पहले नियम को और जड़त्व को कुछ एग्जाम्पल से। दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पर एक पानी की बोतल रखी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो बोतल है इस बोतल का जड़त्व इस कागज की तुलना में काफी ज्यादा है, ठीक है ना। अब मैं अगर इस कागज को यहाँ से खींचूं तो इस बोतल को गिरना नहीं चाहिए, अगर न्यूटन के गति का पहला नियम सत्य है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं तब। और ये देख रहे हैं आप कि कागज को मैंने खींच लिया है, कागज मेरे हाथ में है और ये बोतल नहीं गिरी, मतलब अपने स्थान पर अभी भी है, मतलब इसको गिराने लायक हमने बल अभी जनरेट नहीं किया। ठीक है, मतलब इसमें जो जड़त्व की कंडीशन है वो इसकी स्थिति को बनाए हुए है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में जरूर आई होगी। आइए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक सिक्का मैंने रखा है गिलास के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सिक्के में क्या इतना जड़त्व है कि इसको स्थिर रखे। चलिए देखते हैं, चलिए ये देख सकते हैं आप कि सिक्का देखिए इस गिलास के अंदर आ चुका है, पानी के अंदर आप देख रहे होंगे सिक्का, ठीक है। मतलब सिक्के को भी हिला नहीं पाया, मतलब सिक्के में भी जड़त्व क्या था, ज्यादा था। उम्मीद करता हूं आपको न्यूटन की गति का पहला नियम पूर्णता समझ में आ गया होगा।